हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर स्टडी पॉइंट। डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का शीट 4 डिस्कस करेंगे। चलते हैं सवालों की ओर। क्या है सवाल में आज? जो लोग मेरे बारे में या डी आर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज का पहला सवाल कुछ इस तरीके से है हम लोगों के पास कि फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ आइटम ऑफ 4 आइटम पर केजी विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के तुलना में जो परसेंटेज चेंज आया है, इस चेंज को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं परसेंटेज चेंज को इंडिकेट करती है। देखो यहाँ पे कलर का थोड़ा सा है, आइटम ए का थोड़ा लाइट कलर है और आइटम बी का जो है वो क्या है, थोड़ा डार्क कलर का है। ठीक है, एंड सी का है और डी का है, यानी कि सी ये है हमारा और डी कौन सा है, ये है हमारा। ठीक है, अब जो भी सवाल है हमें इसी बेसिस पे करना है। तो देखो यहाँ से इस बेसिस पे मैं तुम्हें समझा दूँ कि इस सवालों में बहुत सारे परसेंटेज तुम्हें दिख रहे हैं, तो तुम्हें ये मालूम है कि जब भी 2 या 3% आपस में गुना में होते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को सक्सेसिव लगाने में प्रॉब्लम होता है, सक्सेसिव पे बेस्ड सवाल बनाना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है परसेंटेज का, जाओ उसे देखो, पूरा सक्सेसिव पे कैसे परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस सवाल में देखो क्या है सवाल में, और सवाल देखो कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है, ये समझो। If the price of item A and B in 2016, 2016 में A और B का जो price है वो कितना दिए हुए है तुम्हारा, A और B का दिए हुए है, A का दिए हुए है 100, B का दिए हुए है 132। ठीक है, तो देखो 2016 में जैसे ये ग्राफ तुम्हें दे क्या रखा है, यहाँ पे ये जो तुम्हारा A का 25% इंडिकेट करा रहा है, ये प्रीवियस साल के रिस्पेक्ट में करा रहा है, मतलब अगर 2014 में X रुपया था तो 2015 में क्या हो जाएगा, 125/100। ठीक है, और 2016 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2016 में देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना परसेंट दिए हुए, 20% निगेटिव में दिए हुए, यानी कि फिर तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, 80/100। ठीक है, तो ये चीज़ें ना इस तरीके से जाएंगी, और 2016 में यहाँ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 100 है। या तो तुम ऐसे निकाल लो, नहीं तो यहाँ से देखो तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि 2015 और 2016 का परसेंटेज ए और बी का लिख लो। ठीक है, ए का लिखो, ए का देखोगे 2015 में 25% का इंक्रीज किया और 16 में जो है 20% का क्या किया है, डिक्रीज किया है। ठीक है, फिर बी में देखो, बी में क्या किया है, 50% का इंक्रीज किया है, सॉरी 10% का इंक्रीज किया 2015 में और 50% का इंक्रीज किया है किसमें, 2016 में। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है कि ये दोनों का परसेंटेज गुना करने के बाद ही ये 100 पहुंचा है, तो क्यों ना हम इसका सक्सेसिव निकाल लें। सक्सेसिव जब निकालोगे तो प्लस में 25 माइनस में 20 माइनस में 20 इंटू में 25 अपॉन में जब 100 करोगे तो ये तुम्हें देगा 0%। सॉल्व करके देख लो, यहाँ से 5 दे दिया और 20 गुना 5 करोगे तो 25 गुना 20 करोगे तो 500 हो जाएगा, 500 से यहाँ 5 कट गया, 0%। यानी कि ये बिना किसी बदलाव का ए में जो 0% का सक्सेसिव आया, यानी कि ये बिना किसी बदलाव के आया है, यानी 2014 में भी ए में जो था वो कितना था, 100 था, कितनी आसानी से निकल गया हमारा। ठीक है, फिर आगे देखो 2016 में बी का बात करते हैं, बी का सक्सेसिव लगाओ, प्लस में 10 प्लस में 50 प्लस में 10 × 50/100, और ये चीज़ें ना तुम मुंह पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 50 × 10 = 60 हो गया और यहाँ पे 5 यानी कि 65%, यानी ये जो 132 आ रहा है ये प्लस में 65 आया, यानी क्या 65% बढ़ के आया है। तो बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 165% का वैल्यू तुम्हें दिए रखा है 132, तो मैं 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 132/165 गुने में कितना, 100। ठीक है, इसे तुम आसानी से काट सकते हो, 11 से काट दो 1 और 2 = 12 में, 11 से इसे भी काट दो 1 और 5 = 5 में। ठीक है, अब 15 से तुम जानते हो 15 × 120 8 में कट जाता है, यानी कि ये यहाँ से तुम्हें देगा 80, और यही तुम्हारा है यहाँ से 80, यानी कि 2014 में बी की जो था वो था 80 था। अब तुमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्राइसेस इन 2014, 2014 में इन दोनों के प्राइसेस का अंतर कितना था, तो 100 और 80 का अंतर कितने का होता है, 20 का होता है, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 20 रुपीज़, और यही हमारा क्या है आंसर। तो कितनी आसानी से ये हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन काटा छाटी करते, वही चीज़ तुम यहाँ पे भी बी वाले टर्म में भी करते, तो बी का मान लो वाई था 10% का इंक्रीज, 110/100, फिर 50% 150/100 बराबर में 132, नो डाउट इससे तो ये आसानी है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम सवालों को कैसे करते हो। ठीक है,
चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये डीआई में ज्यादातर हम लोग इसी तरीके से, क्योंकि हर एक बार 2 या 3% को गुना करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है अगला सवाल हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ आइटम सी एंड डी इन 2014 इज 2:3, सी और डी का जो प्राइस है वो है 2:3 एंड द सम ऑफ देयर प्राइसेस इन 2017 इज 1038। 1038 यानी क्या, 17 में सी और डी का सम जो है वो क्या है, 1038 है। तो तुम्हें देखो 2017 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 14 से पहले 15 में एक बार परसेंटेज इंक्रीज, 15 से 16 में दूसरा बार परसेंटेज इंक्रीज, 16 से 17 में तीसरा बार परसेंट, मतलब 3% इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो जब भी 3% है तो या तो 3% को इंक्रीज करा के लिखो, नहीं तो उनका सक्सेसिव निकाल लो। देखो कितना आसान हो जाएगा। सी में देखो क्या है, सी का अगर तुम बात करोगे तो सी में देखो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे प्लस में क्या हो गया, 40%, ठीक है। फिर देखोगे सी में तुम यहाँ पे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये हो गया माइनस में 25%, और फिर यहाँ पे ये तुम्हें क्या दे रहा है, माइनस में 20%। इसका तुम सक्सेसिव निकाल लो। तो सक्सेसिव जब तुम निकालोगे तो प्लस 40 और माइनस 25 एक एक करके ही सक्सेसिव निकलेगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बटे में क्या होगा 100, ठीक है। इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से काट दो इसे 10 बार में, ठीक है। 4 से कट गया तुम्हारा 10 बार में, 40 में 10 चला गया कितना बचा, 30, 30 में 25 चला गया कितना बचा, 5, ठीक है। तो जब 30 में 5 चला गया तुम्हारा तो 5 बचा यहाँ पे। तो अब तुम्हारा तुम क्या करो यहाँ पे कि इस 5 की तुलना जो है नेक्स्ट तुम इसे 20% से कर दो, ठीक है। तो प्लस में तुम्हारा 5 है, माइनस में तुम्हारा 20 है, माइनस में क्या हो जाएगा 5 × 20/100। तो यहाँ 20 × 500 खत्म हो गया 1, 21 में 5 चला जाएगा यानी क्या हो जाएगा -16%। यानी सी के साथ जो 3 साल में इंक्रीज हुआ वो कितने का हुआ, माइनस में 60% का, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 16% की डिक्रीज हो रही है टोटल 3 सालों का जब तुम कंक्लूड करोगे तो, ठीक है। तो सी था तुम्हारा 2x, 3 सालों का उसका 16% आ रहा है यानी कि क्या हो जाएगा 84/100, ठीक है। फिर आगे चलो डी में 3x, डी का भी इसी तरीके से सक्सेसिव निकालते हैं। डी का तुम्हारा देखो क्या है, तुम्हारा सबसे पहले है 30%, ठीक है। 30% के बाद तुम डी में देखो -25% है, -25 के बाद क्या है प्लस में 20%। अब तुम यहाँ पे देखो 30 और 25 का जब तुम सक्सेसिव निकालोगे तो ये तुम्हें डेसिमल में पहले लेके जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव निकालने के दरमियान एक चीज़ ध्यान में रखो कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो 25 और 20 का सक्सेसिव निकालना बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे पहले तुम 25 और 20 का सक्सेसिव निकाल लो। तो -25 है, प्लस में 20 और माइनस में 25 × 20/100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें -5 मिल जाएगा, 25 से 4, 4 से यहाँ 5 बार में, यहाँ से भी तुम्हें -5 मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें, -10%। अब इसे तुम 30 के साथ लगा दो, 30 माइनस में 10 माइनस में 30 × 10/100 क्या 100, ठीक है। 0000 खत्म हो गया, 30 में 10 चला गया कितना बचेगा 10, 10 में 3 चला गया क्या बचेगा 17, ठीक है। 30 में 10 चला गया यानी 20, 20 में 3 चला गया क्या बचेगा 17, यानी पॉजिटिव में 17% आइटम डी के साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव में 17% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 3x में जब 17% का इंक्रीज करोगे तो क्या देगा 117/100 और बराबर में क्या हो जाएगा 1038, ठीक है। 117 × 3 करोगे तो तुम्हें देगा 351, 84 × 2 करोगे तो तुम्हें देगा 168, ऐड करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 519x बटे में कितना 100 बराबर में 103। और देखो कितना आसानी से दिख गया तुम्हें, ये कट गया 2 बार में, x की वैल्यू निकल गई 200, ठीक है। तुम सब देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्राइसेस इन 2015, 2015 में उनके प्राइसेस का अंतर क्या था ये निकालने के लिए। तो 2x है, 2x का जब 200 करोगे यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 400 गुने में 2015 में। तो 2015 में तुम सी का देखो तो सी कितना परसेंट से बढ़ रहा था, 40% से, लिख दो यहाँ पे 140/100 डिफरेंस निकाल दो, मॉड लगा के निकालना है, ठीक है। 3x था यानी कि 3×2 कितना 600, इसमें तुम यहाँ पे 130/100 क्या कर दो, 100 कर दो, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन्हीं दोनों का जब तुम डिफरेंस निकालोगे, काट छाट लेना इसे, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, डिफरेंस निकालोगे तो यही डिफरेंस तुम्हें देगा 220 एंड योर आंसर इज 220, दैट्स इट, ठीक है। तो सवालों को ना कुछ इस तरीके से करना है सक्सेसिव लगा के। अब तुम चाहो तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके देख लो कौन आसान होता है तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है,
इफ द प्राइसेस ऑफ आइटम बी एंड सी इन 2016 इज 120 एंड 200, ठीक है, 2016 में बी और सी का जो प्राइस है, ठीक है, 2016 में बी का कितना है, 120 है, और इसका कितना है, 100 है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर प्राइसेस इन 2018, 2018 में इनका प्राइसेस क्या होगा। तो 2016 से पहले 17 जाएगा, 17 से पहले 18 जाएगा, यानी 2% इंक्रीज होगा। अब सी का तुम देखो कंडीशन की, बी का पहले देखो कितना कितना परसेंट से वो इंक्रीज कर रहा है। बी में देखो यहाँ पे एक बार -20% से हो रहा है और एक बार माइनस क्या हो रहा है, 25%। तो -20 और -25 का सक्सेसिव थोड़ा लगा लो, तो -20 -25 प्लस में क्या 20 × 25 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो, 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में 25, और यहाँ पे 20 जोड़ोगे तो 45, 45 में 5 चला जाएगा, यानी कि माइनस में 40%। यानी ये जो सक्सेसिव लग रहा है निगेटिव में 40% लग के आगे बढ़ेगा 2018 में जाने के लिए, ठीक है। अब सी का कंडीशन देखो क्या है, सी में आइटम सी में देखो तो आइटम सी का रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, आइटम सी में भी -20 गया, लेकिन -20 के बाद ये कहाँ जा रहा है, प्लस में 30 जा रहा है। तो -20 प्लस 30 -20 × 30 अपॉन में क्या, 100, ठीक है, 0 0 0 खत्म हो गया। यहाँ से 10 देगा तुम्हें, यहाँ से 6 चला जाएगा, यानी कितना होगा, 4% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 4% का इंक्रीज करा दो। अब तुम्हें बकायदा पता है कि 100 है, 100 में 4% का तुम्हें क्या कराना है, इंक्रीज कराना है, सॉरी ये 100 नहीं है, ये 200 है, ठीक है, 200 में 4% का इंक्रीज कराना है। तो 4% का इंक्रीज कराने के बाद क्या होगा, 208। अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो देख लो तुम, 40% का डिक्रीज, यानी कि क्या हो जाएगा, 60% इसका वैल्यू निकालना है। 120 का 60% जब तुम निकालोगे तो क्या देगा तुम्हें, 72। और इन्हीं दोनों का तुमसे क्या पूछा है, सम पूछा है, साफ साफ दिख रहा है कितना है भैया, 280। और भी इससे जल्दी कोई बनाए इसको, ठीक है, कि जो भी करोगे तुम उसमें कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सक्सेसिव निकालो और सक्सेसिव से काम करो। तो जिन लोगों को सक्सेसिव अच्छा लग रहा है और सक्सेसिव नहीं जानते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके देखो, चीज़ों को समझो, सक्सेसिव पे कैसे काम करता है, परसेंटेज का एक ही वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट सवाल में क्या है, इफ द एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी इन 2018 इज कितना, 402। 2018 में जो है, जो प्राइसेस का आइटम है हमारा, मतलब 2018 में ए और बी का जो एवरेज है वो कितना है, 402 है। यानी कि हम सम का बात करें तो 402 गुने में 2 हो जाएगा। 2017 में जो एवरेज है ए और बी का ही, वो है तुम्हारा 480। तो ये क्या हो जाएगा, 480 गुने में 2। देखो थोड़ा सा ये और सवालों से ना थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जाता है, ठीक है, और डीआई का तो मतलब ये है कि 5 सवाल में 1-2 सवाल तो टफ देना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि तुम्हारा 17 और 18 का इंक्रीमेंट को वो इंडिकेट करा रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, 2016 के रिस्पेक्ट में। यही पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस इन 2016, 2016 में क्या था। तो मान लो 2016 में जो था वो ए का ए था, बी का बी ही था, ठीक है। तो 2016 से जब 2017 में बढ़ेगा तो ए देखो तो कितना परसेंट से बढ़ेगा, 2016 से 2017 में ए बढ़ेगा 40% से। यानी कि हम लोग अगर 140 एक बोल दें तो ए अगर 100 ए था तो वो क्या हो जाएगा, 140 ए हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम ध्यान दो कि बी जो इंक्रीज करेगा इसी साल में, बी कितना से इंक्रीज करेगा, तो बी यहाँ पे तुम देखो 20% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर 100 बी होगा तो वो क्या हो जाएगा, 80 बी। और यही दोनों का सम तुम्हें दिए हुए है 480 गुने में क्या, 2, ठीक है। अब तुम देखो जैसे ही यहाँ पे ये तुम्हारा प्लस में 40 था, ये माइनस में 20 था, उसी तरीके से जैसे तुम आगे बढ़ोगे अब 2018 के लिए, तो तुम्हें वहाँ पे 2% लग जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, एक -25 भी हो गया, और फिर यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे जब तुम इसमें आओगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या हो जाएगा, एक -10 मिल जाएगा। तो 40 और 10 का सक्सेसिव निकाल लो, तो 40 - 10 माइनस में 40 × क्या हो जाएगा, 10/100, ठीक है, 0000 यहाँ से खत्म, 40 में 10 चला गया, 30, 30 में 4 चला जाएगा, यानी कितना बचेगा, 26, प्लस में 26%। यानी प्लस में 26% का मतलब क्या है कि 16 से 18 जाने में 26% की वृद्धि होगी, यानी 126 ए, ठीक है, प्लस में। अब बी का बात करते हैं, 20 और 25 का इसके जस्ट प्रीवियस सवाल में तुमने निकाला था माइनस में 40,
ठीक है, माइनस में 40 का मतलब क्या है, 60 भी हो जाएगा, और इस तरीके से तुम्हारा जो सम होगा 2018 में वो क्या होगा, इतना होगा। ठीक है, अब चाहो तो तुम इसे यहाँ से काट छाट कर लो, दो से काट वाट लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसी को जहाँ पे देखो मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो यहाँ पे यही करूँगा कि 80 और 60 को एलिमिनेट कर दूंगा, 80 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ठीक है, तो 140 a into 3 जब करोगे तो ये तुम्हें देगा 420 ए, माइनस में 126 into 4 करोगे तो ये तुम्हें देगा 504 a, और ये 8 240, ये भी 240 माइनस करूँगा तो कट जाएगा। फिर यहाँ से जब तुम ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये तुम्हें देगा 2880। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना इसी को मेहनत करना है, ठीक है, या तो इसे तुम काट दो शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आओ, या फिर तुम इसे थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है, कट जाएगा आसानी से बिल्कुल। और फिर जब इन तीनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें देगा 3216। ठीक है, अब यहाँ से तुम घटा दो, यहाँ से तुम जब करोगे तो 84a बराबर में 336 है, ए की जो वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से काट दो इसे 4 बार में, ए की वैल्यू निकल गई 4। अब ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी का वैल्यू तुम जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5। तुमसे यही ए और बी का वैल्यू पूछा था, तो यानी ए और बी का रेशियो क्या है, 4:5, ऑप्शन नंबर ई, एंड योर आंसर इज 4:5। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत तो किसी ना किसी सवाल में करना होगा ही तुम्हें। ठीक है, चलो पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं। पाँचवा नंबर सवाल क्या, देखो कितना आसान सा सवाल है। If in 2014 the price of item C is 10 more than the price of item A, 2014 में, ठीक है, A का अगर X होगा तो C का कितना हो जाएगा, X प्लस में 10। ठीक है, इन 2016 में क्या बोल रहा है सवाल में, प्राइस ऑफ आइटम सी बिकेम 14.5 मोर देन द प्राइस ऑफ आइटम ए, ए से जो है कितना अधिक हो जाता है, 14.5 अधिक हो जाता है। ठीक है, तो 14.5 अधिक हो जाने का मतलब क्या है तुम्हारा, कि ए जितना भी रहेगा उससे 14.5 2016 में ए जितना रहेगा। अगर तुम्हें याद होगा पहला नंबर सवाल जब तुमने बनाया था, तो पहला नंबर में तुम्हें याद होना चाहिए कि ए का तुम देखो यहाँ पे ये दिए हुआ है माइनस में 25%। ठीक है, और फिर यहाँ से जब तुम आएगे, सॉरी प्लस में ये 25%, और फिर तुम जब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हें दिए हुए है माइनस में 20%, और प्लस में 25% और माइनस में 20% का सक्सेसिव जो होता है वो होता है 0%, यानी कि नो चेंज। यानी 14 से 16 में इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, तो 16 में भी अगर ये x होगा तो ये क्या हो रहा है, x प्लस 14.5। सी में बदलाव अगर तुम देखोगे तो बदलाव आया है 4.5 का। ठीक है, तो अब यहां से तुम देखो सवाल में क्या है तुम्हारा, कि इन 2016 कि द प्राइस ऑफ आइटम इतना हो गया, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ आइटम ए इन 2015, ए का 2015 में। तो यहां देखो सी से 16 में 4.5 का इंक्रीज हुआ है, 14 से 16 का मतलब क्या है सी में, कि 2 साल का इंक्रीमेंट होगा सी में। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा सी में सबसे पहले तुम्हारा जो बढ़ रहा है वो बढ़ा है कितना, 40, और फिर यहाँ पे जो तुम्हारा घटा है वो घटा है कितना तुम्हारा, माइनस में 25। ठीक है, तो 40 और 25 का सक्सेसिव निकालो, तो प्लस में 40 माइनस में 25, माइनस में 40 इंटू में 25 अपॉन में क्या 100, सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें देगा 5%। यानी कि 5% की क्या हुई, इंक्रीज हुई, और इसी 5% की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितना, 4.5। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम 100% करोगे तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.5 गुने में कितना 20, यहाँ से 20 गुना करके आओगे तुम इसमें, तो यहाँ से ये तुम्हें मिल गया 90। ठीक है, तो सी तुम्हारा जब 90 हो गया तो ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 कम, यानी कि कितना, 80 हो जाएगा। अब इसी का 2015 में पूछा है, तो 80 का देख लो यहाँ पे, 2015 में 25% का इंक्रीज किया है, तो 80 का 125 अपॉन में 100 निकाल दो, सॉल्व करोगे तो यही तुम्हें क्या देगा, 100 देगा, और यही तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपीज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पहला DI जो है बड़ा ही आसान लगा होगा, कुछ नई नई चीजें तुमने सीखी होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट DI की, और नेक्स्ट DI हम लोग का क्या बोल रहा है, चलो देखो DI में क्या बोल रहा है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी हु यूजेस शूज ऑफ 6 different brands। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पाई चार्ट का, ये क्या चीज को बता रहा है तुम्हें, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी इज 1240। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं तुम्हारे वो कितने हैं, 120,000 है।
द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये जो बार ग्राफ है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज ऑफ बॉयज अमंग देम, यानी कि इनमें से बॉयज़ का परसेंटेज क्या है ये रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हमारा क्या होगा, सवाल होगा, जैसे मान लो अगर बॉयज़ 40% होगा तो 60% क्या होगा, गर्ल्स होगा, ठीक है। चलो चलते हैं सवाल की ओर, सवालों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या बोल रखा है सवाल में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन यूनिवर्सिटी हु यूजेस शूज ऑफ लिबर्टी एंड पैरागन, लिबर्टी और पैरागन का जो शूज यूज करते हैं, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी हु यूजेस शूज ऑफ एरो एंड रिबुक, ठीक है। गर्ल्स का एरो रिबुक का कितना परसेंट है, बॉयज का लिबर्टी और पैरागन। देखो एक चीज बताता हूँ, इस सवाल में ना इस टाइप के सवाल जो होते हैं इसमें कहीं पे भी ना तुम्हारा जब परसेंटेज वगैरह निकालना रहता है तो ये 120,000 का ना कोई यूज़ नहीं रह जाता है, ठीक है। अब क्यों यूज़ नहीं रहता है? देखो यहाँ पे, क्योंकि तुम डायरेक्ट भी इसे मान लो, क्योंकि परसेंटेज में जब तुम करोगे तो इधर भी और उधर भी दोनों साइड वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सबसे आसान तरीका मेरा क्या है, टेक्निक होता है सॉल्व करने का, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले तुम बॉयज़ का लिख लो जो लिबर्टी और पैरागन का जूस पहनते थे, ठीक है। तो तुम देखोगे लिबर्टी का तुम्हारा है 18% और बॉयज़ की संख्या आउट ऑफ 18 जो तुम्हें दी हुई है वो कितनी है तुम्हारी, 56%, ठीक है। तो तुम यहाँ से लिख दो 18 का 56, ठीक है। फिर पैरागन का बात कर लो, पैरागन में तुम्हें दिए हुए है 15% और पैरागन का तुम्हारा परसेंटेज जो बॉयज दिए हुए है वो दिए हुए है तुम्हारा 48%, तो यहाँ पे तुम लिख दो 15 × 48, ठीक है, बस इतना ही रहने दो अभी। फिर गर्ल्स का बात करो तुम एरो और रिबोक का, गर्ल्स का तुम देखोगे गर्ल्स का कितना है तुम्हारा एरो में टोटल 24, एरो में बॉयज 40 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, यानी कि 24 का क्या लिख दो, 60 लिख दो प्लस में। फिर रिबॉक में बात करो, रिबॉक में तुम्हारा कितना है, रिबॉक में तुम्हारा है 16% और 16% में 60% तुम्हारा कौन ले ले रहा है, 60% ले ले रहा है बॉयज, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 40%, यानी 16 का 40%। अब तुम्हें परसेंटेज निकालना है गर्ल्स के रिस्पेक्ट में, तो तुम क्या करो इसे एक रेशियो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट कर दो। अब रेशियो में देखोगे तुम 8 से 7 बार में, 8 से 6 बार में, 8 से 3 बार में, 8 से 5 बार में, कट गया हमारा। 2 से भी चाहो तो काट लो, 2 से काट लो इसे 9 बार में, 2 से काट लो इसे 3 बार में, 2 से काट लो इसे 20 बार में, 2 से काट लो इसे 8 बार में, ठीक है। 9 × 7 = 63, 15 × 3 = 45, 63 और 45 को ऐड करोगे तो तुम्हें देगा 108 रेशियो में। यहाँ से तुम 20 × 3 हो जाएगा 60 और यहाँ से 85 जा हो जाएगा तुम्हारा कितना, 42 से काटा था, 2 से कटेगा ये 30 बार में, 30 × 3 हो जाएगा 90 और 85 जा क्या हो जाएगा 40, 90 और 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 में 30, ठीक है। अब इसी को तुम चाहो तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, इसे ले आओ तुम 54 और इसे ले आओ तुम 65। तुम्हें क्या बोला था गर्ल्स का कितना परसेंट है, तो 65 का एक्स परसेंट है, वो कितना आसान छोटा छोटा डिजिट हो गया, कौन सा 54, 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में, x बराबर में 54 गुने में 20 बाई में क्या आ गया 13। अब देखो इसे सॉल्व करने का भी कहीं कोई जरूरत नहीं है, कैसा जरूरत नहीं है, थोड़ा नजर ऑप्शंस पे दिमाग देखो, एक नजर ऑप्शंस को देख लिया हम लोगों ने। अब यहां से देखो 13 से तुम जब काटोगे 54 को तो 52 तो तुम्हारा डेफिनेटली कटेगा, 13 × 4 हमारा क्या होता है 52 होता है, ठीक है। और ये 4 से ज्यादा ही होने वाला है तो हम एटलीस्ट 4 पकड़ के चलते हैं, 4 × 20 करोगे तो वो तुम्हें कितना देगा 80 देगा। डेफिनेटली तुम जब एक्चुअल डिवीजन करोगे तो वो क्या होगा 80 से थोड़ा ज़्यादा लेकिन 90 से कम ही होगा। देख लो क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा आंसर है। कहीं सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, अब पूरा लंबा चौड़ा करके करोगे तो तुम्हें आ ही जाएगा 83.07%, या फिर तुम स्मार्टली इसे हैंडल कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, शूज ऑफ विच ब्रांड आर यूज बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी, किस ब्रांड का शूज जो है मैक्सिमम यूज किया जाता है लड़कियों के द्वारा। तो देखो लड़कियों के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा शूज यूज किया जाता है ये कैसे पता चलेगा, लड़कों के द्वारा जो सबसे कम यूज किया जाएगा उसमें लड़कियों का वेटेज क्या होगा, सबसे ज्यादा सबसे कम किस में दिख रहा है, एरो में। अब एरो का अगर तुम परसेंटेज यहाँ पे देखोगे तो एरो का परसेंटेज भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए बाय ऑब्जर्वेशन तुम यहाँ पे बोल सकते हो ये 60% यहाँ से गर्ल्स से देगा, 24% है, बाकी सबको गुना कर करके अगर चेक करना है तो वो कर लो, एल्स तुम यहाँ से साफ साफ कंक्लूड कर लो कि ये आंसर जो होगा वो एरो ही होगा। इसलिए हमारा इस सवाल का आंसर है नन ऑफ दीज, और इसका आंसर जो है वो है एरो।
एल्स तुम इसे एक एक करके निकालते चले जाओ, तुम एक एक करके निकालोगे अगर तब भी करोगे तब भी वही चीज आएगा, और अब बाई ऑब्जर्वेशन भी करोगे तब भी होएगा, क्योंकि जो भी फैक्टर होंगे वो या तो 60 से अधिक होने चाहिए और 24 से अधिक होने चाहिए, तब तुम्हें जाके आंसर देंगे। 24 से अधिक का तो यहाँ पे कहीं कोई फैक्टर दिखा नहीं, और 60% से अधिक का इस ग्राफ में भी कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि 60% से अधिक होने के लिए इसको इस ग्राफ में 40 से कम का कोई होना चाहिए, कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो कौन सा आंसर है, एरो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में तुमसे दे रखा है, इफ 40% ऑफ द बॉयज हु यूजेस एरो शूज ऑफ एरो स्टार्ट यूजिंग द शूज ऑफ रिबॉक, जो 40% बॉयज है एरो का जो शूज यूज करते हैं वो क्या स्टार्ट कर देते हैं यूज करना, रिबॉक का शूज स्टार्ट कर देते हैं यूज करना। तो रिबॉक का यूज करने वाले बॉयज कितने थे सबसे पहले ये देखो, तो रिबॉक है तुम्हारा 16% और इसका 60% बॉयज पहले से यूज कर रहे थे। ठीक है, जब पहले से यूज कर रहे थे तुम्हारा, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा और भी आ जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे 1% 16 है, 1% यहाँ है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कितना परसेंटेज तुमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर आगे देखो इसमें तुम्हारा ऐड क्या हो जा रहा है, 24 का पहले एरो में यूज करने वाले थे 24 का 40%, और फिर क्या हो गया इसका 40% शिफ्ट हो गया रिबॉक में, यानी टोटल रिबॉक में क्या हो गया इतना हो गया। अब आप तुमसे बोल रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है जो रिबॉक यूज करते हैं, तो रिबॉक तो 16 लोग पहले 16% लोग यहाँ पे यूज करते ही थे, ध्यान रखना ये सिंगल परसेंटेज है यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, 0000 यहाँ से तुम काट दो तो ये भी तुम्हारा डबल परसेंटेज में आ जा रहा है। ठीक है, सिंगल परसेंटेज है, प्लस में इसमें इनिशियल में ऐड और क्या हो गया 24 का 40% का 40%, जिसको तुम लिख सकते हो 24 का 16%। ठीक है, तो डबल परसेंटेज तुम्हारा था हर जगह पे, लेकिन तुमने क्या किया यहाँ से एक एक परसेंटेज को ही खत्म किया है, इससे भी एक परसेंटेज खत्म हो जाएगा तुम्हारा और इससे भी तुम्हारा एक परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब चाहो तो इसमें से तुम बहुत सारा चीज काट सकते हो, 16 यहाँ से 4 × 4 = 16, यहाँ से 4 × 4 = 16, यहाँ से 16 काट दो। अब इसका कितना परसेंट है तो एक्स परसेंट यहाँ से लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखोगे तो ये तुम्हें यहाँ पे क्या देगा 60 देगा, यहाँ पे तुम्हारा बच गया 24। ठीक है, एक सिंगल सिंगल परसेंटेज है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 84% लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे तुम ध्यान दोगे 1, चूंकि यहाँ का परसेंटेज खत्म हो चुका है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म में क्या रहेगा 1 रहेगा, जिसको अगर तुम ब्रैकेट हटाओगे तो x बाय में 100 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 24% सिंगल है यानी कि यहाँ पे परसेंटेज के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 24x बाई में कितना तुम्हारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 24x बाई में 100 हो गया तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा इसके साथ एक परसेंट भी लग जाएगा, तो परसेंटेज परसेंटेज वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे एक साथ एक जगह पे कर देंगे। ठीक है, या फिर इसे हम लोग x को एक साथ रख देंगे, तो अब थोड़ा सा इसको ना तोड़ दो, 84 बाई में 100 बराबर में x बाई में 100 तो है ही, 24x परसेंट है यानी 24x बाई में क्या हो जाएगा 100 गुने में क्या 100। ठीक है, तो 100 गुने में जब 100 हो जाएगा तो इधर वाला पार्ट को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें देगा 124x बटे में कितना 100 गुने में 100। ठीक है, और 84 बाई में क्या हो जाएगा 100, 100 100 यहाँ से काट दो, x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी तुम्हारा 8400 बाई में क्या 124। ठीक है, थोड़ा इसे काटने छाटने पे भी ध्यान देते हैं, 4 से काटो 3 बार में और 1 बार में, 4 से जब तुम इसे काटोगे तो 2 बार में 1 बार में 00। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ से तुम देखो इसे सॉल्व कितना आसानी से हम लोग करेंगे। ठीक है, 31 से जब तुम आगे बढ़ोगे तो 31 × 7 करोगे तुम, 31 × 7 किया तुमने तो 31 × 7 क्या मिल गया तुम्हारा 217। ठीक है, 200 कितना मिल गया तुम्हारा 17 मिल गया, जब 217 तुम्हें दे रहा है 31 × 7 तो डेफिनेटली यहाँ पे 210 है, 70 से कितना कम होगा लगभग में थोड़ा ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कम हमारा 70 से कम कौन सा हो जा रहा है 60 और 68 और 47, तो सबसे पहले तुम्हें जो थोड़ा बहुत कम दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है 68%, तो लगभग में यहाँ पे यही होगा। हालांकि इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद भी तुम्हें मिलेगा क्या 67.7%, जो कि अप्रॉक्स में 68% लोगे, या तो तुम सॉल्व करके निकालो एल्स तुम देख के भी निकाल सकते हो इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूजेस एरो रिबॉक एंड नाइक एंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु
हु यूजेस बाटा लिबर्टी एंड पैरागन, ठीक है। तो एरो, रिबॉक और नाइक का और बाटा लिबर्टी और पैरागन का तुम्हें डिफरेंस बताना है टोटल नंबर में। तो देखो यहाँ से एरो, रिबॉक और नाइक का जब तुम मिलाओगे तो 24 प्लस में 16 प्लस में क्या हो जाएगा 15 बाई में 3, माइनस कर दो इसे 12 प्लस में 18 प्लस में 15 बाई में 3, तो तीन से ये कट जाएगा 4, 6 और 5 बार में, तो इधर तो तुम्हें 15 मिल गया। इधर करोगे तो 55 बाई में 3 माइनस में कितना 15, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 53 या 45 10 चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 बाई में 3। अब ध्यान दो ये था तुम्हारा सिंगल परसेंटेज में ही सिर्फ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी ग्राफ का तुम बात कर रहे हो, तो सिंगल परसेंटेज में यानी कि क्या हो जाएगा नीचे में 100 ऑफ कितना 1,20,000 का, 2020 यहाँ से खत्म, 3 से कट जाएगा ये 400 बार में, यानी कि यहाँ से तुम्हें आंसर जो मिल जाएगा वो कितना मिलेगा 4,000, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है हम लोगों को, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु यूज शूज ऑफ नाइक, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं जो नाइक के शूज यूज करते हैं, 30% ऑफ द बॉयज स्टार्ट यूजिंग क्या बाटा, 30% जो है बाटा में चले जाते हैं, रेस्ट स्टार्ट यूजिंग शूज ऑफ पैरागन, बाकी बचे जो लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं पैरागन यूज करने, यानी 70% लोग, किसके 70%, वो लड़के जो नाइक यूज करते थे कभी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयजेस हु यूजेस शूज ऑफ पैरागन, जो पैरागन के शूज यूज करते हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु यूजेस द शूज ऑफ बाटा, जो बाटा का शूज यूज करते हैं वो। देखो इसमें अब तुम अगर देख रहे हो तो बहुत सारा तुम्हें कैलकुलेशन वगैरह दिख रहा होगा, जबकि वहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो क्या है, कितने परसेंटेज मैंने गुना किया है और कैसे किया है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान रखो पहले कि सबसे पहले तुम्हें निकालना है डिफरेंस पैरागन और बाटा का, तो पैरागन को सबसे पहले यूज कितने लोगों ने किया ये देखो। पैरागन का अगर तुम बात करोगे तो पैरागन में टोटल तुम्हारे थे 15% लोग, और 15% का बॉयज में अगर तुम देख रहे हो तो 15% का 48 जो है तुम्हारा यूज करते थे पहले पैरागन। तो यहां से हम लोग लिख दिया ना 15 × 48, ध्यान रखना 1% वैल्यू 2% वैल्यू, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्लस में तुम्हारा क्या हो जा रहा है, पैरागन में आ जा रहे हैं 70%, 70% किसके, नाइक यूज करने वाले, तो नाइक यूज करने वाले हैं कितना 15 का, तुम यहां से देखोगे तो 15 का तुम्हारा कितना दिख रहा है 65%, नाइक यूज करने वाले थे 15 का 65%, 2% वैल्यू है, लेकिन इसका फिर 70% जो है वो आ जाता है किसमें, पैरागन में, यानी कि ये हो गई 3% वैल्यू। ध्यान रखना कभी भी 2% वैल्यू 3% वैल्यू के साथ ऐड नहीं हो सकती या घट नहीं सकती है। अब ये तो हो गए टोटल पैरागन अभी जो है हमारे, ठीक है। अब इसे घटाना है हमें बाटा वाले के साथ, तो बाटा में हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे ये देख लो, बाटा में तुम्हारा था 12 का तुम्हारा 45%, ठीक है। तो 12 गुने में क्या लिख दो 45, 2% वैल्यू, फिर यहाँ पे तुम और ऐड कर दो 30% नाइक वाले आ जाते हैं, यानी 15 का 65 × 30, ठीक है। अब जो तुम्हें मैंने बताया कि ये तुम्हारी 3% वैल्यू है और ये तुम्हारी क्या है 2, तो इन दोनों का कोई मेल नहीं, ये दोनों अलग अलग है। हाँ भले तुम इसका 1% चेंज कर दो तब तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जो 2% वाली है उसको एक साथ लिख देते हैं, तो 15 × 48 माइनस में 12 × क्या हो जाएगा 45। अब तुम देखो ये वाला पार्ट जो है 15 × 65 × 70, और ये जब घटाओगे इसके साथ 15, 65, 30, तो मेन रूप से अगर तुम यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पे 15 और 65 कॉमन आ जाएगा, 70 में 30 चला जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला कि 2% वैल्यू तीसरे के साथ गुना नहीं होता है, तो इसे भी 1% वैल्यू इसका चेंज कर दो, क्या कर दो यहाँ पे मार बटे में 100 कर दो, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2% वैल्यू में हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो 15 है, इसमें से 3 कॉमन ले लो हो जाएगा तुम्हारा 45, जब तुम 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 16 में 12 चला गया, यानी कि कितना हो गया 4, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ थोड़ा काटा छाटी कर लो, 5 से काट दो इसे 13 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से काट दो इसे 2 बार में, ठीक है। 13 × 2 हो जाएगा तुम्हारा 26, 26 × 15 करोगे 260 प्लस 130, यानी कि कितना 390, 45 × 4 180 और 390 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 57। ध्यान रखो तुमने सॉल्व क्या किया है,
दो परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व किया है, तो नीचे में क्या कर दो इसे चेंज करने के लिए, दो परसेंटेज से गुना कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल क्वांटिटी चाहिए। अब ये जो तुमने सॉल्व करके निकाला एक तरीके का, तुम बोल दो या तो सक्सेसिव है या जो है, ठीक है, इन पूरी कहानी का एक शॉर्ट अप्रोच है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका तुम्हें ये किसका परसेंटेज निकल रहा है, ये तुम्हारा निकल रहा है टोटल 1,20,000 का। तो यहाँ से चार जीरो जो है दो जीरो को काट देगा, 570 इंटू में 12 जब तुम करोगे तो ये साफ साफ तुम्हें दिख रहा है आसानी से मल्टीप्लाई होके 6840 होगा, और यही इस सवाल का आंसर है 6840 एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसान था सवाल को सॉल्व करना, एल्स तुम लेके चलो 1,20,000 से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आएगा दोस्त, ठीक है। तो चुनाव तुम्हें करना है कि तुम सवालों को कैसे सॉल्व करते हो। तो चीज़ें अगर पसंद आई होंगी, तुम्हें ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी तुम्हें और कुछ अच्छा बता सकें या फिर उन्हें भी लगे कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा, ठीक है। भला करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।